Assalamualaikum guys, exercise 12.8 question number 53rd part की तरफ चलते हैं. So with the help of left hand side इसको solve करेंगे. तो सबसे पहले हम left hand side इसकी लिख लेते हैं. Left hand side हमारे पास आ जाएगी R1 plus R2 plus R3 minus R. So just इसके अपने formulas देख लो. तो R1 हमारे पास क्या हो जाएगा? Delta divided by S minus A brackets plus R2 हमारे पास आ जाएगा delta divided by S minus B plus R3 हमारे पास आ जाएगा delta divided by S minus C माइनस आर आ जाएगा हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा डिवाइडेड बाय एस. सो जस्ट आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एलसीएम लेने से भी पहले डेल्टा को आपने क्या ले लेना है कॉमन. अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस सी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस. नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसका आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है. सो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या है और इसको प्रॉपर आपने अरेंज करके लिखना है. तो ये आ जाएगा पहले एस, फिर उसके बाद एस माइनस ए, देन एस माइनस बी और लास्ट में आ जाएगा एस माइनस सी. सो अकॉर्डिंग टू द हीरोज फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिख देंगे. डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. यहाँ पे मैं अंडर रूट नहीं डाल रहा, अगर इधर आप अंडर रूट नहीं डालते तो यहाँ पे आप लगा दोगे स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डेल स्क्वायर कर देंगे. अभी यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेते हैं. सो एलसीएम इसको कंप्लीट करते हैं. तुम्हारे पास क्या एस माइनस एस माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग चीज रह जाएगी एस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस नेक्स्ट एस माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग चीज रह जाएगी वो आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन और आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी हमारे पास लास्ट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट क्लोज. सो जस्ट आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, देन देखेंगे हमारे पास क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, साथ साथ फिर चीजों को कैंसिल आउट करते जाएंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए 4 कैपिटल आर की इक्वल आना चाहिए. सो फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं नीचे. तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर. सो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो, टू पीसेस में इसको मल्टीप्लाई करो. तो पहले मैं एस माइनस बी और एस माइनस सी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो एस को एज इट इज बाहर लिख दो. सो क्या आ जाएगा हमारे पास एस 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 स्क्वायर, पहले एस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों, तो एस स्क्वायर माइनस एस सी, देन इसको बी को मल्टीप्लाई करो लेकिन साइन देखना है नेगेटिव है, तो माइनस प्लस माइनस एस बी माइनस माइनस आ जाएगा प्लस बी सी. ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट आगे फर्दर मल्टीप्लीकेशन करो, एस को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों को कर दो. तो एस 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 स्क्वायर, एस को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एस सी. फर्दर इसी तरह आगे आपने कंटिन्यू रखना है. सो नेक्स्ट हमारे पास माइनस एस ए माइनस एस ए, अब ए को माइनस ए को मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, तो माइनस एस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी प्लस इस एस को अभी बाहरी रहने दो, बाकी अंदर जो है इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस बी सॉरी माइनस एस को पहले लिख दो ए की ऑर्डर में लिखो माइनस एस बी. नेक्स्ट आगे माइनस ए को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस एस ए माइनस माइनस आ जाएगा प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, इसमें भी पहले हम दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इस लास्ट वाले को पहले कर देते हैं और ये आ जाएगा माइनस एस माइनस ए एज इट इज और इन दोनों को करते हैं एस माइनस बी और एस माइनस सी को, तो हमारे पास आ जाएगा एस का स्क्वायर माइनस एस सी माइनस एस बी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बी सी और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट क्लोज. इसको बहुत आराम सुकून के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है बिकॉज साइंस भी है और मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास जो जो फैक्टर्स आ रहे हैं ध्यान से इसको अपने आराम सुकून से करना है, ठीक है? बिकॉज कहीं भी अगर कोई साइन मिस कर दोगे या कोई भी आप एस ए बी सी में से कोई चीज मिस कर दोगे तो आपको वहीं से आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन ही आगे सॉल्व नहीं होगा, मीन्स उसे इसके जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आपके पास 4R के इक्वल नहीं आएगा. सो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हीरोज फॉर्मूला, वो आ जाएगा हमारे पास डेल का स्क्वायर. सो ये डेल का स्क्वायर इसके डेल से कैंसिल हो जाएगा तो 1/del नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सेपरेट करके बाहर लिख दूंगा, बाकी अंदर हमारे पास क्या है सारी सिंप्लीफिकेशन है. सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे. अभी भी हमारे पास क्या है एक स्टेप और जो कि मल्टीप्लीकेशन का रहता है, उसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कैंसिलेशन की तरफ.
सो फर्स्ट हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तुम्हारे पास आ जाएगा ये जो डेल एक बच गया ये आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। नेक्स्ट अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, एस को अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा एस क्यूब, एस को मल्टीप्लाई करना सौरव के साथ, ठीक है, एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर सी माइनस एस स्क्वायर बी प्लस एस बी सी, ये फिनिश हो गया, आप ब्रैकेट्स का आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आगे आ जाएगा प्लस एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर सी, इस एस को फर्दर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ एंड देन इसके साथ, यही काम यहां पे भी किया और यही काम आपने आगे भी करना है। सो हमारे पास क्या आ गया, एस स्क्वायर सी माइनस एस स्क्वायर ए प्लस एस ए सी। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है, इधर भी आपने एस को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और लास्ट पे इसके साथ करना है, तो क्या आएगा आपके पास प्लस एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर बी माइनस एस स्क्वायर ए प्लस एस ए बी। फर्दर आगे इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन है, तो मीन्स उसे जो भी आप करोगे विद आपने ब्रैकेट लगा के करना है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आगे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, वैसे भी अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बिकॉज वन ओवर डेल्टा करके इसको मैंने साइड पे बाहर कर दिया है, तो क्या आगे हमारे पास, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा माइनस, लेकिन आगे ब्रैकेट आएगी। सो एस को पहले मल्टीप्लाई करो सारों के साथ, सारों के साथ करना है, उसके बाद ए को फिर सारों के साथ करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस पहले इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर सी माइनस एस स्क्वायर बी प्लस एस बी सी। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या, माइनस ए, माइनस ए को फर्दर सारों के साथ अपने मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर ए माइनस एस ए स्क्वायर, सॉरी ए ही आएगा, ए स्क्वायर नहीं, ए है जस्ट, तो ए सी माइनस एस ए बी प्लस, अच्छा यहां पे आपने क्या कर रहे हो, माइनस साइन भी, साइन भी चेंज होंगे, ठीक है। सो यहां से हमने किया था, तो ये तो माइनस आ गया, इट्स ओके फाइन, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और अगला भी क्या हो जाएगा प्लस, और लास्ट में प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी फॉर दैट। सो आ जाएगा हमारे पास ए बी एंड सी, और ये हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, मीन्स बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर जितने भी आपके पास साइंस जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में चले जाएंगे, सो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एज इट इज बाय, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पे देखो अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो साथ साथ सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो कोई चीज कैंसिल आउट अगर हो रही है तो कैंसिल आउट कर दो, एड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको एड सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। सो सबसे पहले क्या, एस क्यूब, एक एस क्यूब ये रहा और एक एस क्यूब, वन पहले एस क्यूब को देखो, एक एस क्यूब ये रहा, एक एस क्यूब ये आ जाएगा और एक एस क्यूब ये, तो कितना आ गया हमारे पास 3 एस क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं एस स्क्वायर ए को देख लेते हैं, तो एस स्क्वायर ए हमारे पास एक ये है एस स्क्वायर ए, अब एस स्क्वायर ए को देखते हैं, ये हमारे पास फिनिश है, एस स्क्वायर ए एक ये रहा, उसके बाद एस स्क्वायर एक ये दो, और माइनस साइन पे हम यह देखेंगे माइनस 2 एस स्क्वायर ए, फिर एस स्क्वायर बी को देखते हैं, एस स्क्वायर बी एक ये रहा, उसके बाद एस स्क्वायर बी एक ये रहा, तो एस स्क्वायर बी दो है हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ, तो ये माइनस 2 एस स्क्वायर बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं एस स्क्वायर सी की तरफ, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा माइनस 2 एस स्क्वायर सी, एक हमारे पास ये रहा और एक हमारे पास ये रहा, सो ये एस स्क्वायर बी ये भी हो गया, एस क्यूब भी हो गए, जो जो हो गए मैं उनको टिक कर देता हूं, सो ये क्यूब भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, एस ए बी, एस बी सी और एस सी ए या ए सी, तो उसको मैं लिख दूंगा एस ए बी प्लस एस बी सी प्लस एस ए सी, सो ये हमारे पास सारे कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट आगे इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये साइन इन्वर्ट कर दो, माइनस प्लस, माइनस आ जाएगा एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर सी प्लस एस स्क्वायर बी माइनस एस बी सी प्लस एस स्क्वायर ए माइनस एस ए सी माइनस एस ए बी एंड प्लस ए बी एंड सी, योर ब्रैकेट क्लोज। सो नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं और कौन सी चीजें सरवाइव करके एड अप हो रही हैं। सो यहां पे सबसे पहले एस क्यूब को देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक एस क्यूब ये रहा, 3 के साथ लिखा हुआ है, और नेक्स्ट 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 एक एस क्यूब ये रहा, सो ये एस क्यूब और ये एस क्यूब दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा
एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s का क्यूब। फिर एस स्क्वायर ए को देखते हैं, एक एस स्क्वायर ये रहा, नेक्स्ट आगे एस स्क्वायर ए, एस स्क्वायर ए, एस स्क्वायर हमारे पास ये एक ये रहा, तो ये आपके पास एस स्क्वायर ये है और एक ये, तो इन दो एड और सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये आएगा माइनस एस स्क्वायर ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये भी हमारे पास हो गया, सो नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाते हैं एस स्क्वायर बी, एस स्क्वायर बी हमारे पास होता है, वहां पे आएगा ये, तो ये भी हमारे पास क्या देगा माइनस एस स्क्वायर बी। नेक्स्ट हमारे पास माइनस एस स्क्वायर सी आएगा, सो वो भी हमारे पास एक ही होगा, ठीक है। सो ये आपके पास जस्ट लाइक दैट, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया एस स्क्वायर सी, एस स्क्वायर बी भी हो गया। बाकी जो हमारे पास चीजें रहेगी वो क्या है हमारे पास, एस ए बी, एस ए बी, एस ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, एस बी सी, एस बी सी, एस बी सी से कैंसिल हो जाएगा, और एस ए सी, एस ए सी से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रहेगा लास्ट में, ए बी सी, और इसके अलावा और क्या चीज है, जस्ट बाकी सारा फिनिश है, तो ये आ गया प्लस ए बी एंड सी। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या चीज सिंप्लीफाई फर्दर हो रही है या क्या हम कॉमन ले सकते हैं, एंड देन आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास वन डिवाइडेड बाय डेल्टा। सो यहां पे आप देखो तो आप क्या ले सकते हो कॉमन, इसको एज इट इज रहने दो, टू एस क्यूब एज इट इज रहने दो, आपने जैसे इस पे फोकस करना है, ये जो बीच वाले हैं, तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस एस स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में ए बी सी को नहीं भूलना, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस ए बी सी। सो ये इसमें से मैंने कॉमन लिया है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पूछो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सो ए प्लस बी प्लस सी, सो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, तो ये टू अगर इधर आ जाएगा टू एस, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इट मीन कहीं पे भी अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2s, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2s, और इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 2s क्यूब एज इट इज, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एस स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2s प्लस a प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास a b c क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो s s क्या हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे इसको फर्दर मैं आगे सॉल्व करता हूं, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा, सो 2s का क्यूब, नेक्स्ट आगे देखोगे माइनस और s और ये 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2s का क्यूब। सो नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या है प्लस a b एंड c, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब क्यूब में है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी 2 में है और ये भी 2 में है, तो आपके पास ये हो जाएगा कैंसिल आउट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज रहेगी है ए बी सी, और हमारे पास बाहर है डेल्टा, सो इसको फर्दर मैं यही आगे सॉल्व कर देता हूं, ऊपर ही सॉल्व कर देते इसे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इसको आप आराम सुकून से करोगे सिंगल अटेम्प्ट में तो हो जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कहीं कुछ चीज में मिस कर रहा हूं, तो इसको ट्रबल शूटिंग में ना पढ़ना, मिस उसे सर्चिंग में ना टाइम वेस्ट करना कि कहां पे कोई साइन मिस हो गया या एबीसी में एस में से कोई चीज मिस हो गई है, बिकॉज उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसको काट के क्रॉस करके दोबारा से स्टार्ट कर देना। सो लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो सिंगल अटेम्प्ट में ये होगा और आराम सुकून से करना, ठीक है। सो वन डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास डेल्टा, और अंदर हमारे पास क्या चीज रहेगी जस्ट ए बी एंड सी। सो लेकिन हमें क्या चीज लेके आना है राइट हैंड साइड पे, वो हमारे पास क्या है 4r, और r हमें पता है किस चीज के इक्वल होता है हमारे पास ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, और साथ 4 भी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। So, सबसे पहले तो 4 हमें बनाना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा किससे 4 से, तो मल्टीप्लाई किया 4 से और नीचे डिवाइड भी कर दिया 4 से। सो फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक तो 4 जो ऊपर है उसकी तो उसमें जरूरत है, इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाकी जो चीज रिमेनिंग है वो हमारे पास क्या है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, और यही हमारे पास किस चीज की इक्वल है, ऑलरेडी मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया कैपिटल आर का, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर, जो कि हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था, सो इट्स प्रूव्ड। सो वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टिल नहीं इशू आ रहा है इस प्रॉब्लम में, तो प्लीज पूछो और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करो, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको साथ साथ आप लोग मार्क करते रहा करो, ठीक है, और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करने का आपको फायदा ये होगा, वो ये होगा कि आपके फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, और आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी।
सो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मैं यहाँ पे हूँ, आप जितने क्वेश्चंस करो मैं अप्रिशिएट करूंगा। सो जो भी क्वेश्चन है पूछो, जितना पूछ सकते हो पूछो और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। सो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं कवर करूंगा, पार्ट नंबर 4, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।